ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बजट लाइन. बजट लाइन, बजट, बजट मीन्स हमारी इनकम कितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, दैट इज कॉल्ड, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बजट. सो बजट लाइन, इट इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. क्या शो कर रही है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन एंड गुड टू. कि दो गुड्स थी हमारे पास, लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, हमने वहां पे एग्जांपल लिया था एप्पल्स और ऑरेंजेस का. तो वही दो गुड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. कि बजट लाइन क्या शो कर रही है? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर रही है उन दो गुड्स का, विच अ कंज्यूमर कैन बाय. जिसको एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है, विद गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ गुड वन एंड गुड टू एंड गुड टू. हमारी क्या दी होगी? इनकम भी दी होगी और जो प्राइसेस भी गिवन है दोनों गुड्स के, उन प्राइसेस के बेसिस पर जितने भी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनको शो करना. और वो शो कौन करता है? बजट लाइन शो. अब बजट लाइन को डिफाइन हम या डायग्रामेटिकली किस तरह से समझेंगे? देखो यहां पर मैंने लिए कॉम्बिनेशंस, यहां पर हमने लिए एप्पल्स, वही मैं सेम एग्जांपल उठा रही हूं एप्पल्स और ऑरेंजेस का. ऑरेंजेस सपोज कर लेते हैं, लेट आर इनकम इज कि हमारे पास हमारी पॉकेट में कितने रुपीस है, टोटल जो इनकम है हमारी वो है रुपीस 60 रुपीस है हमारे पॉकेट में, ठीक है. और एप्पल्स कितने के हैं? एक एप्पल की कॉस्ट है रुपी 2 पर यूनिट. और ऑरेंज की क्या कॉस्ट है? ऑरेंजेस, ऑरेंज इज इक्वल टू रुपीज 1 पर यूनिट. एक रुपए का एक ऑरेंज है और 2 रुपए का एक एप्पल है. अब हम लेते हैं कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन में क्या किया कि हमने सारी की सारी इनकम किस पे लगा दी? ऑरेंजेस परचेज करने पे. मींस जितने 60 के 60 रुपीस थे उन सब के क्या परचेज कर लिए हमने? ऑरेंजेस परचेज कर लिए. तो अगर 60 रुपीस है आपके पॉकेट में, ऑरेंज कितने का है? 1 रुपए का. तो कितनी क्वांटिटी आएगी ऑरेंजेस की? 60 यूनिट्स. देन बी कॉम्बिनेशन. अब बी कॉम्बिनेशन में हमने एप्पल जो है 10 एप्पल्स परचेज कर लिए. 10 एप्पल्स कितने के परचेज हुए? क्योंकि एप्पल की कॉस्ट क्या है? रुपीज 2. इट मींस 10 एप्पल्स कितने के हुए? 20 रुपीज के. हमारे पास पीछे कितने बचे? 60 में से 20 माइनस कर दो, 40 रुपीज. अब वो 40 रुपीज के हमने क्या परचेज कर लिया? ऑरेंजेस परचेज कर लिया. 40 कितने ऑरेंजेस आए? 40. एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि हमारे पास, हम ये एज्यूम करके चलते कि हमारी जितनी भी इनकम है हमने वो किस पर स्पेंड करनी है? इन्हीं दो गुड्स के ऊपर स्पेंड करनी है और कहीं भी स्पेंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन. सी कॉम्बिनेशन में हमने एप्पल्स लिए अब 20. 20 एप्पल्स कितने के आएंगे? अब हमारे 2 रुपीज का पर एप्पल था, 40 रुपीज का. पीछे कितने बचे? 20 रुपीज. 20 रुपीज के कितने ऑरेंजेस आएंगे? 20 ऑरेंजेस. नेक्स्ट डी. अब हमने क्या किए? 30 एप्पल्स ले लिए. 30 एप्पल्स का मीनिंग है कि हमने कितने रुपीस के एप्पल्स हुए? 60 रुपीस. इट मींस कि हमने सारी की सारी इनकम एप्पल्स परचेज करने पे लगा दी. तो क्या ऑरेंजेस खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो कोई भी क्वांटिटी ऑरेंजेस की नहीं है. ओके, नेक्स्ट इसको ड्रॉप इस तरह से करेंगे हम. इधर ड्रॉप करके दिखाते हैं. ये हमारा है ओवाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस एन 20 30 40. ये हम अपने रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे. जो भी मार्जिन, मार्जिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यहां पर हम शो कर रहे हैं ऑरेंजेस, ऑरेंजेस
अब देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी स्प्रिंट किस पे कर रहे हैं हम, इनकम 60, यानी कि 60 ऑरेंजेस 0 एप्पल, पॉइंट कौन सा हुआ दिस वन। नेक्स्ट 10 एप्पल्स 40 ऑरेंजेस, 10 एप्पल्स 40 ऑरेंजेस दिस वन। देन 20 एंड 20, 20 एप्पल्स 20 ऑरेंजेस दिस वन। 30 एप्पल्स एंड 0 ऑरेंजेस दिस वन। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी आप जब रूलर की हेल्प से करेंगे इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको बोलेंगे हम बजट लाइन। इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन। और अब ये क्या था हमारा बजट लाइन, इसके ऊपर जो भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे आपके ए बी सी डी जितने भी इसके ऊपर कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो सब क्या शो करेंगे, वो सब शो करेंगे कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर ये सब कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकते हैं। मीन्स आपकी जो रुपीज 60 इनकम है इस 60 रुपीज में ये सारे कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी जो है आप इसके ऊपर होंगे, बी सी डी ये सब क्या कर सकते हैं आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बजट लाइन को किस तरह से शो करते हैं, दैट इनकम इज इक्वल्स टू P1 X1 + P2 X2। जहां पर P1 क्या शो करता है, P1 शोज द प्राइस ऑफ गुड वन, X1 शोज क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 शोज प्राइस ऑफ गुड टू एंड X2 शोज क्वांटिटी ऑफ गुड टू। अब देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, P1 हमारे पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि P1 किसके प्राइस है, एप्पल के प्राइस है, P2 किसके प्राइस है, ऑरेंजेस के, X1 एप्पल की क्वांटिटी, X2 ऑरेंज की क्वांटिटी। देखो फर्स्ट केस में ए कॉम्बिनेशन के अंदर प्राइस कितनी है एप्पल की, 2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी ली थी 0 प्लस P2 कितना है, ऑरेंज की प्राइस है 1 एंड क्वांटिटी कितनी है 60, 2 × 0 = 0 प्लस 60 किसके इक्वल आ गया 60 के, और ये किसके इक्वल है कॉम्बिनेशन Y के, और Y कितना है 60, तो आ गया हमारा इक्वल Y इज इक्वल्स टू P1 X1 + P2 X2। नेक्स्ट बी कॉम्बिनेशन में भी इसी तरह से आपका कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, सब में वाई जो इनकम है वो इस कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगी। जैसे देखो बी में क्या था हमारे पास प्राइस कितने थे एप्पल्स के, 2 क्वांटिटी कितनी है 10, 2 × 10 प्लस ऑरेंज के प्राइस कितना है 1 क्वांटिटी कितनी है 40, बी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, 20 + 40 कितना हो गया 60, क्या ये इनकम के इक्वल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया वाई इज इक्वल टू P1 X1 + P2 X2। इसी तरह से आप सी का भी निकाल सकते हो डी पर, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन पे यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर इन सब पर क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, दैट वाई इज इक्वल टू P1 X1 + P2 X2। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या, हमने स्लोप ऑफ MRS का किया था, इंडिफरेंस कर्व का, कि MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या होता है, स्लोप होता है इसका इंडिफरेंस कर्व का। सो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, जिसको आप ये भी लिख सकते हो दैट PX अपॉन में PY अपॉन में PX।
जो प्राइसेस है हमारी उसके, ठीक है, दैट अपॉन में पेज, कितना चेंज आया हमने। अब देखो यहाँ पर जो बजट लाइन है हमारी उसकी शेप कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इन डिफरेंस कर्व में कि अगर हमें ऑरेंजेस की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो हमें एप्पल्स की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर हम 40 क्वांटिटी किसकी चाहते हैं, ऑरेंजेस की, पहले हम 40 ले रहे थे कितने पर, और 10 ऑरेंजेस ले रहे थे हम, ठीक है। अगर हम 30 ऑरेंजेस चाहते हैं तो या एप्पल और ज्यादा चाहते हैं, 15 एप्पल्स चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 and 15, यानी कि हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑरेंज की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फॉर द गेनिंग ऑफ एप्पल्स। ये 5 एप्पल्स मोर ज्यादा लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसकी सेक्रीफाइस करने की, एक गुड की सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डाउनवर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट क्या होता है, बजट कॉन्स्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि कितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है परचेज करने के, ठीक है, कि अब मेरे पास 6 मेरी इनकम है 10,000, यानी कि मैं, मेरी जो हैसियत है वो कितने की है, 10,000 की, ठीक है, यानी कि मैं 10,000 की ही परचेज कर सकती हूँ, ना उससे ज्यादा की बिल्कुल भी परचेज नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं सोचू कि नहीं मुझे तो है इनकम 10,000 की और मुझे 1 लाख का नेकलेस चाहिए, क्या वो परचेज कर सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो बजट कॉन्स्टेंट क्या बताता है कि हमारी लिमिट क्या है, इट शोज अ लिमिट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय, उसको शो कर रहा है, लिमिट को शो कर रहा है कि जहां तक कंज्यूमर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है अ सेट ऑफ टू गुड्स विद हिज गिवन इनकम, उस गुड्स का सेट अपनी इनकम से। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं कि इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P1X1 + P2X2, मींस कि यहां पर अब देखो इसके अंदर बजट लाइन के अंदर ये जो पार्ट है, ये जितना भी पार्ट आ गया, ये सब पार्ट में क्या कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ, ये सब मेरी पॉकेट के अंदर अलाउ होता है, यानी 60 रुपीज में मैं ये जितने भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहे हैं वो सारे परचेज कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस लाइन से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, ये मेरी लिमिट है, ये मेरी लिमिट लाइन है। तो इसी को बोलते हैं हम बजट कॉन्स्टेंट। की बजट कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है, इनकम की वो वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो या तो मेरी इनकम के इक्वल होंगे या फिर उससे लेस देन होंगे, ओके। अब जो मैं पार्ट अटेन कर सकती हूँ इसको बोलते हैं अटेनेबल एरिया, अटेनेबल मीन्स कि जिसको मैं अटेन कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ, इसको हम फिजिबल भी बोल सकते हैं, ओके। और ये जो बाहर वाले पॉइंट्स है, ये बाहर, इसके बाहर EFG, ये तो मेरी बजट लाइन से ही बाहर है, ठीक है, मेरे बजट में आते ही नहीं है, वही 1 लाख वाला नेकलेस वाला और एग्जाम्पल कि ये मेरे बजट में ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल, जिसको अटेन नहीं कर सकती, अनअटेनेबल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड मूव, किस तरह से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करती है और मूव करती है, या आप कह सकते हो रोटेट करती है। देखो यही हमने सेम एग्जांपल वही ले लेते हैं, O y axis, यहां पर हमने शो किए थे एप्पल्स, यहां हमने शो किए थे ऑरेंजेस, ये हमारा मार्जिन था 10, 20, 30, 40, 50, 60, सिमिलरली 10,
टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी, और हमने ये ड्रॉ की थी लाइन, हमारी जो बजट लाइन थी इस तरह से आपने ड्रॉ की, ये हमारी थी बजट लाइन। अब देखो बजट लाइन किस तरह से मूव होगी। ऑब्वियसली बजट यानी कि हमारी अगर इनकम बढ़ जाती है या उसमें कोई भी चेंजेस आए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है 60 से क्या हो जाती है 70 हो जाती है या 100 हो जाती है, तो ऑब्वियसली अब आप एप्पल्स की क्वांटिटी क्या कर सकते हो, ज्यादा परचेज कर सकते हो, ऑरेंज की क्वांटिटी क्या कर सकते हो, ज्यादा परचेज कर सकते हो। तो हमारी जो ये बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मोस्ट अपवर्ड इफ देयर इज राइज इन इनकम। इनकम अगर हमारी बढ़ जाती है तो हमारी ऑब्वियसली हमारी लिमिट लाइन, हमारी जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, अब हम ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। अगर वो कम हो जाती है तो हमारी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट साइड में बैकवर्ड, यहां से पीछे की तरफ, इफ फॉल इन इनकम, अगर हमारी इनकम कम हो जाती है 60 से 50 के ऊपर आ जाती है, तो अब हम एप्पल्स की क्वांटिटी क्या करते हैं, कम परचेज करते हैं, और ऑरेंजेस की ज्यादा परचेज करते हैं। नेक्स्ट अब करते हैं हम शिफ्टिंग किस तरह से और रोटेशन होती है। ये था शिफ्टिंग बजट लाइन, अब नेक्स्ट करेंगे हम रोटेशन इन बजट लाइन। रोटेशन किस तरह से हो सकती है आपके बजट लाइन में, इसी में ही देख लेते हैं हम। देखिए पहले थी बजट लाइन दिस वन, अब क्या हुआ एप्पल्स के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, कम हो गए। एप्पल्स के प्राइसेस कम होने पर अब हम अपनी जो इनकम थी 60 की 60 उसमें एप्पल्स ज्यादा परचेज कर सकते हैं। ऑरेंजेस के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं, किसके प्राइसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, एप्पल्स के, तो एप्पल्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारी बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी आगे, तब जब प्राइसेस ऑफ एप्पल्स विल फॉल डाउन, जब कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एप्पल्स के रेट बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, अब हम एप्पल्स की क्वांटिटी कम कर सकते, ठीक है, ऑब्वियसली करेंगे, कम ही करेंगे क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है इतनी कि हम ज्यादा एप्पल्स परचेज कर पाए। ऑरेंजेस की प्राइसेस वही है, तो हमारी जो बजट लाइन है, बजट लाइन पहले कौन सी थी, दिस वन, अब क्या हो जाएगी यहाँ से इस पॉइंट से, देखो ऑरेंजेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट था वो वही का वही रहेगा, और ये हमारी बजट लाइन इस तरह से पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कब, जब फॉल इन प्राइस ऑफ एप्पल, सॉरी राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, और ये क्या था, फॉल इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ये था रोटेशन कि किस तरह से हमारी बजट लाइन क्या हो गई, रोटेट हो गई, आगे की तरफ रोटेट हो गई और पीछे की तरफ रोटेट। नेक्स्ट अब चेंजेस किस में आ रहे हैं, अब हमारे चेंजेस आ रहे हैं प्राइस ऑफ ऑरेंजेस में। ऑरेंजेस में किस तरह से चेंज आ रहे हैं, अगर प्राइस वही सेम कि अगर प्राइसेस ऑरेंजेस के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो हम क्वांटिटी क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे तो हमारी बजट लाइन कैसी हो जाएगी, इस तरह से कि हमारा अब कौन सा पॉइंट सेम रहेगा, एप्पल्स वाला पॉइंट सेम रहेगा, ओके, तो हमारी बजट लाइन हो जाएगी दिस वन, इस तरह से। अब अगर ये क्या था, जब हमारे इसमें प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पी ओ से डिनोट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर पी ओ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारी बजट लाइन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्राइसेस किसके, ऑरेंजेस के, तो अब हम क्वांटिटी ऑरेंजेस की क्या कर सकते हैं, ज्यादा परचेज कर सकते हैं, तो ज्यादा परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारी न्यू बजट लाइन आ जाएगी,
इसको आप और भी बढ़ा सकते हो ऊपर वाई की तरफ, अगर वाई और है आपके पास मार्जिन वाई का, आप इस तरह से ये जो लाइन है वो शिफ्ट हो। ये किस केस में होगा? इंक्रीज। किस केस में? जब आपके पीओ क्या हो गए है, डाउन हो गए, डिक्रीज। तो हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ से मूव हो जाएगी? वो इस क्वांटिटी को, ऑरेंज की क्वांटिटी अब हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब और कैसे मूव हो सकती है, रोटेट हो सकते हैं हमारी बजट लाइन? अगर दोनों में ही प्राइसेस में चेंजेस आ जाए, अगर एप्पल्स भी सस्ते हो गए और ऑरेंजेस भी सस्ते हो गए, मीन्स एप्पल्स का रेट भी डाउन हो गया, ऑरेंजेस का भी डाउन हो गया, तो वही सेम जैसे हमने इनकम है ना, तो अब हम दोनों की ही क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ज्यादा परचेज कर सकते हैं। तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी? दिस वन। कि जब एप्पल्स में एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स में भी डाउन आ गया और प्राइस ऑफ ऑरेंजेस भी डाउन आ, अगर दोनों ही महंगे हो जाते हैं, दोनों के ही प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तब हमारे पास प्राइस लाइन किस तरह से होगी? इस तरह से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी अब कम परचेज करें, क्वांटिटी कम परचेज करेंगे कब? जब प्राइस ऑफ एप्पल्स बढ़ गए और प्राइस ऑफ ऑरेंजेस भी क्या हो गए हैं, बढ़ गए। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द शिफ्ट इन द बजट लाइन। नेक्स्ट इज दैट एट व्हाट पॉइंट कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कौन से पॉइंट पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगा? देखो हमारे पास दो कंडीशन है। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर कब होता है? फर्स्ट कंडीशन। पहली बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले एट हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX अपॉन ए PY। कि MRS किसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होना चाहिए? PX अपॉन ए PY। बजट लाइन जो हमने स्लोप किया था उसके, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। सेकंड कंडीशन दैट आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन। प्रूव करते हैं इसको किस तरह से। देखो हमने वही सेम, देखो हर बार हम वही सेम एग्जाम्पल अपना लेंगे, एप्पल्स ऑरेंजेस का वही सेम बजट लाइन लेंगे हम। इसी तरह से मैं एक बार रफली आपको वैसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये 30 है, ठीक है, ये है 60। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने ले लिया ये 30 का था यहाँ पर, और ये है 15 का, यहाँ पर आपका है 40, ये है 50, 40 को और नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ये है 10, ये है 20, ये है 30। अब देखो यहां पर हमने कहा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन, सपोज करो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहली बात तो कि आपकी जो बजट लाइन है, बजट लाइन क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए कहां पर? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए। ये आपका आईसी कर्व, सो ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम। आपको क्या होगा, हम हमेशा हम ये प्रूव कर देंगे, अभी प्रूव करेंगे कि जहां पर आईसी कर्व टेंजेंट होगा बजट लाइन पर, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, मींस कंज्यूमर जो होगा वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा। कैसे? हमने अभी कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर कब है? जब एमआरएस किसके इक्वल,
एग्जांपल है px अपॉन में py। हमने px लिया था जो एप्पल का प्राइस लिया था वो क्या लिया था ₹2 और py कितना लिया था हमने ₹1। यानी कि px अपॉन में py कितना हो गया 2 अपॉन में 1। ये हो गया। अब निकालते हैं हम MRS। MRS xy क्या होता है? लॉस ऑफ y अपॉन में गेन ऑफ x। हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ना तो ये है ना इसके नीचे होता है, ये वाला। ये कैसे है? देखो यहां पर कितने का चेंज आया है, 40 से आ गया 30 पर, 10 का चेंज। यहां पर कितने का चेंज आया, 10 से आया 15 पर, यानी कि 5 का चेंज। तो चेंज इन y कितना हुआ हमारे पास 10, चेंज इन और गेन इन x कितना हुआ 5, कितना हो गया ये 2 अपॉन में 1। इट मींस यहां पर MRS कितना है 2/1 और PX अपॉन में PY भी कितना है 2/1। इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर क्यों, अच्छा ये प्राइसेस हमने ये क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लोप निकाला, ठीक है, और इनके ऊपर जो भी प्राइस लागू होंगे वो सब पॉसिबल है प्राइस लाइन के ऊपर, जो भी हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन पर भी क्या होगा, एम आर एस क्या है, इक्वल है किसके, पी एक्स अपॉन में पी वाई। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, पॉसिबल हो गई, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड कंडीशन कहता है कि इट मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑब्वियसली ये कन्वेक्स है ओरिजिन के। अब अगर हम ले लें कि यहाँ पर ना होने के बजाय, कन्वेक्स वाला पार्ट अभी करते हैं, उससे पहले एक और चीज समझो कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं लेता, ठीक है, सपोज करो कि अब जो आईसी कर्व है वो ये वाला आईसी कर्व है, आईसी वाला, ये जो पॉइंट आया ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है, ऑब्वियसली यहां पर भी क्या है, एमआरएस क्या होगा, इक्वल होगा पी एस अपॉन में पी वाई के, हो सकता है, सपोज कर लेते हैं कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट होगा, वैसे पॉसिबल नहीं है ये वाला पॉइंट, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं अगर होता है, ठीक है, कि हमारा जो प्राइस, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉसिबल तो है, हम परचेज तो कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे, अब देखो ए पॉइंट के ऊपर, ए और बी पॉइंट कौन से कर्व के ऊपर है, इस वाले कर्व के, ठीक, और दूसरा क्या है, इस कर्व के ऊपर हमें पता है कि हायर आईसी कर्व्स गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी कर्व क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो जो सेटिस्फेक्शन हमें इस आईसी वन पर मिलेगी, क्या वही सेटिस्फेक्शन हमें आईसी पर मिलेगी, नहीं, उससे क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसलिए ए और बी पॉइंट क्या नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है, जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो है आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है, कि जो एमआरएस है वो कैसा है, डिमिनिशिंग एमआरएस का लॉ यहां पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तभी ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अगर मैं ले लेती हूँ कि ये कनकेव टू द ओरिजिन, कनकेव ये है, अगर आईसी मेरा कनकेव होता, तो कनकेव होने का मतलब क्या है, कि यहां पर जो एमआरएस है वो हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। और जब आपकी एमआरएस का मतलब क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमें मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कंजप्शन करते जा रहे हैं किसी भी गुड्स की, उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कि क्या हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, ऐसे तो बढ़ते ही जाएगा कि हम जी और चाहिए, हमें और चाहिए, वो तो क्या हो गया कि हमारा पेट भर ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं कि हमेशा जो एमआरएस किस पोजीशन में होनी चाहिए, डिमिनिशिंग एमआरएस होनी चाहिए, और वो कब पॉसिबल है, जब आपका कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो वी कैन से दैट कंज्यूमर विल गेट द इक्विलिब्रियम व्हेन इट विल
इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड सेकेंड इज आई सी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ऑरेंज लाइन. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल कंसेप्ट. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.